जितने मोमिन हैं मैं हकीर यकीन
जाए कई मतलब देवी वादा के जितने उन्होंने जाए हैं उन्होंने दुआई कबूल कर मैं अकील तंदू भेज और रखा गुस्से में अज आखिए औलाद मेरे नाम करीम नाम मेरे भेज मेरे बेटे और मखसूस बीवी मौलाना साहब मेरा बेटा बाकी जितने मोमिनी के औलाद सरकार से अनुभव भी नहीं छोड़ेगा औलाद के नहीं आएगा आमीन को करीम अल्लाह बाकी जितने बेरोजगार मोमिन सरकार नाम तमाम ना तमाम मोमिनी के रोजगार के तोसी मकरूज मोमिनी के परेशान परेशान हाल मोमिनिया परेशान एक ऐसी सलवात पढ़ो जो तमाम दुआ की कबूलियत की दिक्कत सलवार जबान
तो वाजिब समझ के ला शरीर की इबादत शरीर के बात वाजिब समझ के मोहम्मद आले मोहम्मद के जिक्र की ताईद को लेती है समझे लगे आज बोले तो जी दसान इस दुनिया से मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र की ताईद को लेती है कबर के कंधा तो लैके मशर के मैदान तक बस उस जबान चुपरा सी उनके बदले जारी बोले सी अली के यार पुत यूसुफ पैर आया
पाकिस्तान आए दिया सेब न कटेगे उसने यूसुफ की जल की बर्दाश्त न कर सका उंगलियां कटीनिया पता ही न लगा इजाजत में मैं गुफ्तगु शुरू कर मेरे वास्ते मेरी बख्शे के वास्ते काफी बैठे पूरे कुरान आलाम तो लेके वन्नास की थीम तक पूरे कुरान अल्लाह ने एक रात का तस्करा किया एक दिन का तस्करा एक सारे बोले एक रात का तस्करा एक दिन का तस्करा रात छुपाई ठीक है ना रात बदल को छुपाई गई दिन छुपाया नहीं रात लबड़ी को भी दिन लबड़ा नहीं पोगा अगर तुरा तबीयत रिलाज हो मैं दसा चाह अठे इमाम की जबान सारे सारे मिल के शुरुआत हो जाए अठे इमाम की जबानी रात का मकाम क्या है दिन का मकाम क्या है यह है मेरा मैसेज यह है मेरी तकरीर का महा रात क्या है दिन क्या रात दिन छुपाया नहीं किया हूं वादे कर समझ रात कुरान नाजिल होए दिन दीन मुकम्मल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले कुरान सुना बाद अपने का फरमा क्यों मेरे मजहब का इम्तियाजी मेरे मजहब की इम्तियाजी हसीयत है वो हदीस हदीस नहीं जो कुरान नाल न इमाम का फरमान है ना ना जेड़े पता प्रमान सारी हदीस कोई है कुरान का मिलती कुरान टकरी है तो मासूम पर मैं फंसरे बू हो रहा जिला उनको दीवार समारोह सारी है मेरा हक है ना मैं कुरान पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लगी हुई बस मेरी बीवी जो ड्यूटी नहीं है तुम्हारा हार के मैं क्यों हो सकता
ठीक है ना। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत। तो मेरा एक दिन बड़ा फिक्र आपको नमाज जबकि नहीं ज्यादा बन जाए तो मैं जिसकी लिहाज के तुम दुआ से करो ना जी अच्छा तिलावत कुरान दिया सूरत कुरान बिस्मिल्लाह और सामने बात आ गई है कंजूसी न बने ये मेरे इज्जतदार ये मेरे नौजवान बैठे ना मेरी गांव का सरमाया बैठे तो बड़े की सारे का प्रोग्राम है वो बड़े की सारे का प्रोग्राम है तो बस दो हाथ बना के करके है तभी तेरा चेहरा मासूम पर छठा मासूम तेरा इमाम साथे की इमाम कर दे ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਰੱਖਿਆ
क्या बात मैं ही पूरे कभी नहीं मिटते पढ़ने मेरे कोई पता कहने थोड़े दुख तो 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 आवाज नहीं क्या सरकार फरमाया जन्नत भी है तेरी जानना भी है जन्नत ही फरमानी जगह तेरा मेरे बच्चे हो सुबान लगा एक जुमला दिया ग्रामर आखिरी हज वास्ते पहले तो आखिरी है जिंदगी का आखिरी हज वास्ते फिर जिंदगी का पहला हज भी है नबी का आखिरी भी है ना नबी टूटे ना तो मक्के वाले पास अब आपकी पहाड़ी चल रही है जिधर जाते रहे हो अब आपकी पहाड़ी चल रही है इनको ऐसे सुनना था बोली सारी जमीन की तबलीग इंसानियत की इंसान है ठीक है ना अब वहां की पहाड़ी क्या है कि कब्जी वो शान खबर से आ रही है तेरा राव में गिरा कुछ पढ़ते लिए रोते लिए एक प्यारे साहब की नदी ने मौके से हाथ रखा और मेरे मां से जो मेरी दूसरी तो कुर्बान हो मैं दस तो सही है जमीन का भर के दिए मेरी माँ आमना भी कबर मेरी माँ आमना भी कबर है मैं नबी हूं मैं गुजारिश करना चाहता मैं नबी हाँ काश आज मेरी माँ जिंदा होगी मैं नमाज की हालत छोड़ा माँ मेरे नमाज की हालत तो सत्य मैं अल्लाह की नमाज छोड़ के पहले माँ आमना को जवाब देवा माँ तुम क्या फरमाए हर जो मेरा हर जो मेरा मेरा वालदेन की कबर से मान के मैं हर जुमेरात न बन सका सरकार फरमाया महीने से एक दफा अरे मौला महीने की ना बन सका सरकार फरमाया साल एक दफा साल एक दफा ना बन सका सरकार फरमाया जिंदगी एक दफा वालदैन की कब्र से जाके सात दफा जरूर सात दफा सूरत है कादर सात दफा जरूर तू जब पढ़ रहे इमाम जमानत रहना करीम अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर छोड़ दी मेरे बाल दें तेरे गुनाह नहीं कबर का पता अदैवी है केला मैंने सुनना थे किताब में नहीं भरिया मैं भाई जान लोगों को एक बंदे मनत मनी जब मेरी बला काम थी नहीं है या मैं जन्ना दी चौपट चुनसा या हुआ दिन दी पहचानी चुनसा जाने के बेटा कर करके रहो मनत पता है मनत पूरी दी गई और रसूल ने बोला कि ताकत है कि मरा तो जन्नत से जानना का फैसला थी जो हो ना थी और रसूल ने बोला कि बुजुर्ग को तुम्हारी बात रहा रसूल एक कोल आ गया या रसूल अल्लाह ने मन्ना तो मन्नी है जी वो पूरी हो गई वाजे पे मन्ना सदा करना हो मैं की नहीं करना सरकार फरमाया करे जे जी मन्ना तो मन्नी नहीं चाहिए ये इंसान के बात तो हूँ कहे रहोगे क्योंकि नहीं मन्ना तो मन्नी है और ज्यादा करना तेरे उसके वाजे से तो बोला मैं क्या कर रहा सरकार फरमाया तो इस्लाम में
तेरे कारण मैं कुछ और ही देना चाहिए। सरकार फरमाया मैं नबिया के रहमत से बोलना देखो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं मेरे सामने अपने मात क्यों जरूर कबरा में छबिया कबरा एक बाप की कबर तस्वर कर दूसरी मां की कबर तस्वर कर मां का सलवाद करो जिस ग्रह लाए सलवाद रहे तो राज मकान क्या है इतना तेरी जिंदगी दे हजार महीने की बात एक मत हजार महीने तकरीबन तिरासी या चौरासी साल तेरी तेरी मेरी औसत जिंदगी कितनी उम्र कितनी है 50 साल 60 साल या 90 साल या 100 साल बड़ों का तरह कटो साल और जितना तक तकलीफ में शरीर जगह वाजिब नहीं होना ना वो बनूगा तले साल कटो चार तो बकाया क्या बोल दें 83 या 84 साल केड़ा यो करी और आज रात तू जगो क्या इबादत है खुदा के बीच तू जगो रात तेरी 83 साल की इबादत है एक बात से देख रात की इबादत है एक बात से हम कुरान मना खोले ना तेरी जिंदगी की सारी बात थके नहीं रखते एक पास से तेरे ना तुम कादर की रात की बात एक पास से तेरे आठवां इमाम रहते मत नबी विलायत से किताब का नाम है जीवन सम्राट भाईया अल्लामा आयतुल्ला महमूद इमामी अस्फहानी अपनी किताब सम्राट उलायात के बारे में लिखा है समझ लेना बेटे और नवा बात नहीं सम्राट उलायात के बारे में लिखा है जिसका आज कल उर्दू ही मौलान तर्जमा हो चुके हैं केस क्या है खुदा खुदा किस किस के गुनाह नहीं है हवाला ना दे दिया है तेरा आठवां इमाम है जब अपना दे विलायत कर दे सरकार जिंदगी एक बार से ते लैला तो काते दी रात ही बात तक एक बार से ना और मेरे आठवां इमाम बैठे बस ना कर दिया आयत से सरकार लैला तो काते दी रात से बैठक पर लैला पढ़ने शुरू की थे सरकार फरमाया जेड़ा बंदा लैला तो काते दी रात चार के बारे में खुदा ने खुदा सुने कि मैं इमाम जमानत दे देना करीम अल्लाह उनकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर सुने करीम अल्लाह उनकी जिंदगी रहे
बोलवेणार सायगुना माफ कर पुनेती ये बोलला उठी करे आता मेरे बात क्यों मेरी झुंगी गुरु मान हो गुना चोखों में तमाम हो जाए बाबा आज के ताले के तने को पता लगे तो बेदार बैठे हो गुना चोखों में तमाम हो सरकार फरमाए गुना उस मामले सितारे के बराबर तमाम रेगिस्तान में जमात के बराबर तमाम पानी के कचरा के बराबर तमाम रास्ता में पत्ते के बराबर तमाम सरकार ये हर को दे का अपना बिस्मिल्लाह काम को छोड़ा हुक्म करो मैं अमल करा सरकार फरमाया जा दो मोमिन लड़को क्या बात है तो मोमिन लड़को में तू ना लड़ावना नहीं चिंगारी नहीं सकती दो मोमिन लड़को में तू वाणी के उन्हें सुला चकरा कलिंगा लाते कुलेगा तो कादर जगाव दे जाते लो समाव बता करे सरकार भर में ये भी ज्ञात है एक मोमेंट का लहजा भी ना दूसरे दिन नहीं था ईद और शान दस आज मौला दस हो सरकार फरमाया मोमेंट बीमार थी बजे और जागो जागो कितने प्यारे हैं मोमेंट दोनों हाथ बुलाने का क्या है दरी बीमार थी बजे मोमेंट बीमार दारी से कर मैं इमाम जमाने से लेना करीम अल्लाह से को लेना तो बाद में रात से जाकर था सवाब बता रहे थे और बोला हाथ में उसके काम छोड़ क्या बात दुआ करते थे जो अच्छा इतना भी सरकार बनवाए ये भी दिया मोमिन मार मचे उंगले चलाता चपाट तवज्जो नहीं की थी करीम अल्लाह ने बुलाया तो कादर दरबार से जाकर कहा सवाब अदा करे ज्यादा मौला हाथ को बोले काम थोड़ा क्या चल इतना नहीं सरकार फरमाया जनाबे तक पूरे पहुंच जाओ बोले हाथ के जमाते का पर करीम अल्लाह ने बुलाया तो कादर दरबार से जाकर सवाब अदा करे थी दुश्मन हाँ
अचारा गली अचारा गला सनी गया अथवाई मां मचना ते लाया वाह बे वाह 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 खुशी वाह सरकार दे तेरे तो खुशी न मोता इंसान भी उठाया तो मेरे बात से क्यों तेरी जुटी तो कुर्बान में आज खुश कर सरकार फरमाए मैं ना खुश थी मां जान दे दी दाद दे दी दाद खुश करी मेरे बात से अभी भी बुलाया सदा देने अगर मौला ने का कोई अहमियत सरकार फरमाया जरा 18 दिल हाल اٹھارہ دل حاج کو میرے ساتھ عزیز ولایت کی خوشی ہے ایک مومن دوسرے مومن کو صرف حق کا ملا رہے مومن میرے دادے علی دی ولایت دی خوشی دوسرے مومن جناب صرف مصحف ہاتھ چک ملا لے میں امام ضمانت کیا دیتا انہیں سمجھے آدم تو بھین کے خاتم تک علی تو بھین کے مہدی تک ایک لکھ سبھی ہزار نبی پھر بارہ امام جناب بل مشافہ ہاتھ چک ملا لے کیا بات ہے سلوات کرو تو علی بھی راضی ہو جاوے نومبر میں دن 18 دل حج کو میرے دادے علی دی ولایت دی خوشی جیڑا مومن ایک مومن دوسرے مومن کو صرف ایک لقمہ دکھا رہے ایک لقمہ دکھا رہے پھر آٹھواں امام فرمو دے کتاب کا حوالہ پہلے سیکھا پھر آٹھواں امام فرمے دے یوں سمجھے آدم تو گھن کے خاتم تک علی تو گھن کے مادی تک ایک لکھ 24,000 نبیاں کو تے 12 امام کو گھر دلا کے ان کھانا دکھایا ہو سلوات پڑھو ورد بھی راضی ہو جا یہ ہے میرے مولا علی کی جنایت دیو خوش یا ذرہ یہ تھے یہ مقرمان کیا آتا ہے یہ میرے مولا علی کی جنایت کی تقسیم نہ سمجھے سلوات پڑھ گئی اللہ دین کیا ہے سرکار فرمایا ہے کہ یا ہم صد و حساب پانچ چیزاں نرا دی ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے مولا فرماؤ سرکار فرمایا اول پر صلاۃ پر صوم ول حج ول زکات کیا بات ہے اور ولایت کریں ہائے 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 Thank you.
पहले नमाज, रोजा, हज, ज़कात, पहले के दाद यही नहीं बिलाया बंदा आ रहे हैं यार रसूल अल्लाह ने कोई डाल इन्हें तो अफसर के लिए पहले इमाम ने बोला तो पहले बंदा बोला मौलाना ये अपने रसूल अल्लाह क्या नमाज अफसर है सरकार फरमाया ला अल्लाह है ला नहीं अल्लाह की कसम नहीं मौला रोजा सरकार फरमाया ला अल्लाह है ला ये अल्लाह की कसम नहीं मौला हज सरकार फरमाया ला अल्लाह है ला ये अल्लाह की कसम नहीं हज मौला जका सरकार फरमाया ला अल्लाह है ला ये अल्लाह की कसम नहीं मैं बोला एक सरकार फरमाया मेरे दादे अली की जनाजा तेरा अलावा मेरे को पता लगे जींद का बेटो मेरे दादे अली की जनाजा अरे हाथ मुड़ गई हाथ मुड़ गई नमाज हल्की तेरे दादे विलायत तेरे दादे अली की विलायत भारी रोजा हल्का तेरे दादे अली की विलायत बदनी हाथ हल्का तेरे दादे अली की विलायत बदनी सरकार हल्की तेरे दादे अली की विलायत भारी क्यों सरकार फरमाया तेरे को पता है नमाज वाजिब है लेकिन हर किसी में नहीं बोलो तो सही बात करी तेरे को क्या करा वो समझो तो सही नमाज वाजिब है लेकिन हर किसी में नहीं बालिग से वाजिब ना बालिग से नहीं सारे तो घूमी मुसाफिर क्या घूमी अधूरी आज वाजे पे अमीर से गरीब से नहीं ये गाले ना से तहला के हो रहा है आज वाजे पे किरों से अमीर से फकीर से नहीं गरीब से नहीं सकात वाजे पे साहिब इस्तात से गरीब से है कोई ना लेकिन याद रख मेरे दादे अली की विलायत जिन्हें अमीर से वाजे तुम्हें फकीर से वाजे जिन्हें बच्चे से वाजे तुम्हें बालिग से वाजे पहले बता चुका नस चुका जो नमाज का मकान क्या है समझा दी तुझे मेरी गुफ्तगू वो भी समझ ना ये तो मामूली शहर में सब जाए मैं पुलिस को आज तुम्हारे है ना भी कसम है अगर तेरा सेहन मुतमैन ना होए तो बस मैं कुरान पढ़ चलो ना सुनाया है लेकिन अब के साल ना सुनाया है बड़े कृष्ण जो मेरा दिल सावना की तू अब एक जिले में बात करने लग गया है ये है समाज के लिए है साइन में तेरा तो भूल नहीं पाते थे चलो आज बोलो तो मैं नहीं गया मात्र बोलो तो आज कर पाता देन देने तो हो तो मैं कहीं तो खुश लूं की बात में क्या पड़ता हूँ ना मेरे को रुख के साथ करे बीवी ना माफ करे जो कहीं वो गोमेंट की फरमाएगा खुश लूं की बात में क्या पड़ता हूँ बंदा पीना तो आदमी लाख क्या पड़ता हूँ हर साथ शिया की बुनियाद है दो चीज आते एक बीवी ना हक के दो जारी ना हक के बीवी ना हक को पता के अली ना हक रसी है अबे तुझे तो महल बुलाने करके है नहीं समझ नहीं भैया मेरे को तो वो नहीं ये है समाज है लेकिन हम तुम नहीं मानते ये भी है भी है भी आते वाह वाह बिस्मिल्लाह नाम ना रही यार यो हरो तुम लोग पल्ले को बाहों से लाइने के मेरे पापे कोई नाम ना पल बाहा पल्ला रिसाला था ओ मेरे रसूल
हमारे कुरान आराम को लेकर बनना उसे तीन तक मुकम्मल कुरान गवा दे सरकारी मुलाजमत याद नहीं भैया सरकारी मुलाजमत सरकारी मेरा रसूल ऐसे कोहदा नहीं था मैं अगर तेरे काम ना किया था दो या तेरे मेरी रिसाला था कोई काम नहीं किया हमारे साथ लेके बात करा था कि बात ही समझ में आए मेरे को तकरीबन सतवां दिन है मैं हुसैन पोर से बिताया हुआ हर जिंदगी हर नीमत मैं मुझे आज बात भट्टी दे रहे तो मैं खा चुका आखिर मिले कि कोई ऐसी चीज भी ना दे मैं कहो चार बार होगा मैं कुर्बान और तो कुछ ऐसी नहीं रही लिहाज बात आके तो ले जाना सरकार ठीक है पूरा बोल तो फिर है बोल के नहीं बात के थोड़ा चार बोल के रहता है दुनिया ने भी छोड़ना ठीक है तेरी जिंदगी है जो सांप को उठा दे अगर ये नहीं खा रहा ना गोया तेरी जिंदगी है जो खा रहा है बोल दे मेरा क्या क्या दे तेरे सारे मेरे नबी जी सहरी जिंदगी तेरे साल की सहरी जिंदगी है जो मेरा नबी ने क्या कुछ नहीं किया बोलो मेरे नाल सब कुछ कितने ना 40 साल का मन है तो ही प्रेम इशारा 40 साल का भाई है सिर्फ तो ही प्रेम इशारा अपनी नबूवत नमाज रोजा हज सदात कौम जिहाद तवल्ला तबर्रा अमल बिलमारूफ नहीं है नंदर सारे हाथ वाकिया सदका खैरात विश्वास घेर के शलवार तक विश्वास घेर के भाई जान शलवार तक सब कुछ मेरा नबी पहुंचा चुके बाद के मैं बात फैला आदम को घेर के ईसा तक आप नबी की नबूवत नारों नार के लोग हैं बोलो मेरे ना के लोग हैं तेरे मेरे नबी थे अगर नबी नहीं तो बस आए थे ईसा को पर चला नबी ने मल्ला मारा नहीं थे मैं वो सभा के भी देना मैं अपना नबी के भी देना वो तो तेरी मां ही जीना है वो भी मदद भी के करनी है अगर तू है तो कही वो भी मदद या तू समझे तेरी मां ने ना की था नबूवत जाए वो बुलाए कम लोग बात है वो नबूवत अली लेते खारे का देखा इरा मतलब आदम को घेर के ईसा तक बोलो मेरे ला हर नबी की नबूवत दारू बना के लोग ने नबी की नबूवत दारू बना और मेरे मुस्तफा की नबूवत है ना ते नबी 40 साल तौहीद नमाज रोजा आज जकात सारा कुछ है ना सारा कुछ है ना हर नबी की नबूवत दारू बना रहे मुस्तफा की रिसालत से ते रसूल की रिसालत दारू बना रहे अली की विलायत से نبی کی نبوت دارو بنا رہے نبی کی نبوت سے نبی نبوت دارو بنا رہے لوگ علی کی ولایت سے میں کہتی زبان ہے سمجھا نا جب علی کی ولایت تو ہے نبی کی نبوت نہیں بدلی رسول کی رسالت نہیں بدلی اللہ جانے تیرا نماز تیرا کلمہ تیرا روزہ تیرا ایمان کی میں مکمل ہو जरा भूमि नदी के मैदान में है ना
मेरे सामने पहले लिखे थे अजीम चेहरे बैठे सचिन मौलाना कौन में करिए तू कौन में करिए तू आदमी रात में फिर के पता खुदवाया ठीक है ना उत्ता ने देना है बात इस बात का इस्लाम की पहली तंग नाराज नहीं होना मैं मौजूद ही रखा दे पूरा कहना है सलावत पढ़ो पूरा नमाज नाल पढ़ो इस्लाम की पहली जंग उस मैदान इस वास्ते जंग तालाब को पहाड़ी मैदान है मैदान इकट्ठी जाते इकट्ठा पी देना और पानी की मैदान की जाते इकट्ठा क्योंकि अरबी के तालाब को आदन कदीर और पानी जो उठेंगे इकट्ठा पी लेता जमा पीने का तो वो आदन कदीर तो उससे पहाड़ी इलाके के लिए चरवा रहा था मेरा भेड़ा से बकरियां चलेगा और रोजाना हूं चश्मे से लकीर से अपने भेजे से बकरियों को पानी पिला देना फिर उस चरवाहे का ना हुक्म थोड़ी भी ना करो यकीन की बात आ गया दोनों हाथ बुलाने करके है नदी इससे वाले समाप्त हो गया नदी रे कौन देना देना मेरा नदी इससे नदी रे कौन दे मैदान पे पहुंचा इमाम शाफी के नजदीक एक लख एक लख से 80,000 का मजमा इमाम शाफी के नजदीक एक लाख से 80,000 का मजमा कुरान से मिंबर से मेरा नबी 5 घंटे का खुतबा पढ़ा खुतबे के दौरान मेरे नबी फरमाया अलस्तु बिकुम मिन अनफुसिकुम अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम और मेरे प्यारे तुसे इकरार करें जो मैं मोहम्मद तुसे तो आला हां ना 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 बेलोग जी नहीं किता मैं तुम्हारा मौला हां मैं तुम्हारा मौला हां तेरा लौटा मैं नबी फरमाया मैं तुम्हारा मौला हां